हेलो एवरीबॉडी वेलकम एट अभिमन्यू आई एस द लीडर इन द प्रेपरेशन फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच हैज सो फार प्रोड्यूस्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन इन ए टाइम स्पेन ऑफ जस्ट ट्वेंटी थ्री ईयर्स मेरा नाम डॉक्टर एच एस सिद्धू है मैं अभिमन्यू आई एस में इंडियन इकोनमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन टीच करता हूँ I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examination targeting 2023 24. This will be a one year course and uh, will be available through offline and online mode. Both, if you want to join, you may click on the link given in the description. So, now at Abhimanyu IS, uh, we have commenced a very important series related with the issues and analysis. Under this series, uh, we discuss and analyze uh, those topics related with the uh, current issues. विच आर कंसिडर्ड वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ द यू पी एस सी इन स्टेट सिविल सर्विस प्रलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन सो आज जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है वो टॉपिक इंडियन इकोनमी से रिलेटेड है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ टोकनाइजेशन एनश्योरिंग पेमेंट सिक्योरिटी तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहली बात तो ये है कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू रहता है ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं जैसे ओ फ्रॉड्स हैं फेक यू लिंक्स होते हैं मालवेयर है फिशिंग है ओके सो okay? so, क्या होता है कि जो भी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेसन है वो कई बार मिस यूज़ हो जाती है जो आपके कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है सो so, यहाँ क्या है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड एटी थाउजेंड वर्थ रुपीज टू हंड्रेड करोड आर कमिटेड थ्रू यू पी आई एवरी मंथ सो हर महीने अप्रॉक्सीमेटली एटी थाउजेंड फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, तो हैं जो ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड हैं या जो यू पी आई के थ्रू होते हैं एंड uh, जो अमाउंट इन्वॉल्व है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड करोड सो अमंग द वेरियस सोल्यूशन इंट्रोड्यूस टू द प्रॉब्लम वन सोल्यूशन इज़ टोकनाइजेशन सो दैट इज वाई जब इतने लार्ज स्केल पे इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि इन फ्रॉड्स को रोका जाए इसका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए इसको इसको एड्रेस किया जाए सो so जब हम इसको एड्रेस करने की बात करते हैं जब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो वन ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ देयर दैट इज़ द टोकनाइजेशन अब हम देखेंगे कि टोकनाइजेशन क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे ओके सो so, इससे भी पहले ये बात आ गई कि हम इसको डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये टोकनाइजेशन से रिलेटेड नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये नॉर्म्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2022 से लागू हो चुके हैं सो अब हम देखेंगे कि हम टोकनाइजेशन किसको बोलते हैं व्हाट इज़ टोकनाइजेशन सो मैं आपको बहुत एक सिंपल भाषा में इसको समझाता हूँ कि जब भी हम एमेज़ोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन हम परचेज़ करते हैं शॉपिंग करते हैं तो हम वहाँ अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो जो भी हमारी कार्ड की इम्पोर्टेंट डिटेल होती है जैसे वहाँ सी वी वी होता है कार्ड का नंबर होता है एक्सपायरी डेट होती है तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो ये मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर सेव हो जाती है और मर्चेंट की वेबसाइट आ, के ऊपर जब ये सेव होती है तो क्या होता है आ, रिस्क आ, इस इंफॉर्मेशन के लीक होने का या इस इंफॉर्मेशन के मिस यूज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि द मोर द एक्सपोजर द मोर विल बी द रिस्क ओके सो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट सो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नए नॉर्म्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू दोज नॉर्म्स कि वट एवर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द कार्ड इज़ कंसर्नड दैट विल नॉट बी सेव्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द मर्चेंट नाउ ओके सो मर्चेंट के पास क्या होगा सिर्फ एक टोकन होगा टोकन क्या है इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद कार्ड इन द इन ए कोडेड फॉर्म ओके सो वो एक कोडेड फॉर्म में होगी इंफॉर्मेशन जिसको डी कोड मर्चेंट की वेबसाइट नहीं कर पाएगी सो दैट इज़ वाई मर्चेंट के पास खाली एक टोकन होगा एक कोड होगा जब हम पेमेंट करेंगे तो मर्चेंट की वेबसाइट से रिक्वेस्ट जाएगी उस बैंक के पास जिस बैंक में हमारी पेमेंट जानी है या जो बैंक जो आ, मर्चेंट आ, के बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है सो okay. so, जिस बैंक में मर्चेंट आ, का अकाउंट है सो so उस बैंक के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो टोकन जाएगा एंड वो टोकन उसके बाद टोकन नंबर दैट विल बी शेयर्ड विद द बैंक दैट हैज़ इशूड द कार्ड एंड वो बैंक फिर उस टोकन का जो कोड है ओके okay? सो so उसको डी करेगा एंड कार्ड की जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इशूइंग बैंक के पास रहेगी जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है तो वहाँ से वो पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा या पेमेंट को डिक्लाइन करेगा तो एंड इस तरीके से अब ट्रांजैक्शन होगी या पेमेंट होगी इट मीन्ज वाट एवर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द कार्ड इज़ कंसर्नड

कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर पाएगा इस इंटायर प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन कहते हैं सो so, देखते हैं टोकनाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच कोड दैट इज टोकन सो टोकनाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी इंडिविजुअल की जो कार्ड डिटेल्स हैं वो एक यूनिक कोड में रिप्लेस कर दी जाती है जिसको हम टोकन कहते हैं सो ऑनलाइन परचेजेस कैन बी मेड विदाउट एक्सपोजिंग सेंसटिव कार्ड डिटेल्स सो जब हम ऑनलाइन परचेज करेंगे तो हमें अपनी जो कार्ड डिटेल्स है उसको यू कैन से शेयर नहीं करना पड़ेगा वो हमारी कार्ड डिटेल है जो दैट विल नॉट बी एक्सपोज अंडर द टोकनाइजेशन प्रोसेस ऑनलाइन मर्चेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टोर कार्ड डिटेल्स सच एज़ कार्ड नंबर सी वी वी एंड एक्सपायरी डेट ओके सो टोकनाइजेशन प्रोसेस के अंदर जितने ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं वो हमारे कार्ड की डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे जैसे सी वी वी हो गया एक्सपायरी डेट होगी या कार्ड नंबर हो गया द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस सो टोकनाइजेशन का अपोजिट हो गया डी टोकनाइजेशन डी टोकनाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ द टोकन बैक टू एक्चुअल कार्ड डिटेल्स सो सो दैट मीन्स डीज आर दू टर्म्स वन टर्म इज टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन में क्या है कि जो हमारी कार्ड डिटेल है वो एक कोड में कन्वर्ट हो जाती है एंड uh, उस कोड का एक टोकन इशू हो जाता है एंड डी टोकनाइजेशन क्या है कि जो टोकन है राइट right, उस द कोड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दैट टोकन ओके सो उसकी उससे बैक है जो कार्ड की इंफॉर्मेशन या कार्ड डिटेल है जो वो लेना उसको हम डी टोकनाइजेशन बोलते हैं हाउ ए टोकन इज फॉर्म्ड ए टोकन क्या होता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहता है कार्ड का टोकन रिक्वेस्टर का एंड डिवाइस का तीन चीजों का ये एक कॉम्बिनेशन होता है हु कैन परफॉर्म टोकनाइजेशन अब बात ये है कि टोकन कौन इशू कर सकता है टोकन इशू कर सकता है या तो जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है या फिर वीज़ा मास्टर कार्ड रूपे दैट मीन्स अथॉरिटी ओके okay, या दर्ड नेटवर्क सो वो अथॉरिटी जिसने उस कार्ड को इशू किया है या अथोराइज कार्ड नेटवर्क कार्ड इशुंगज वी कैन से है जो सो so वो कॉम्पनीज uh, या तो टोकनाइजेशन कर सकती है या टोकनाइजेशन कार्ड इशुइंग बैंक कर सकेगा सो दिस इज दट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टोकनाइजेशन अब तक हमने टोकनाइजेशन को समझ लिया है कि टोकनाइजेशन क्या रहता है टोकनाइजेशन ये है कि हमारी जो सेंसिटिव कार्ड डिटेल है रिलेटेड विद द कार्ड नंबर सी वी वी एंड दिस एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड एट्सट्रा सो वो एंटायर इंफॉर्मेशन है जो दैट इज रिप्लेस्ड बाय ए कोड ओके दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए टोकन सो वो टोकन में हो जाती है एंड हमारी जो कार्ड की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो भी डिटेल है दैट विल नॉट बी देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ द मर्चेंट, ओके सो दैट इज वाई दैट विल बिकम लेस एक्सपोज एंड लेस एक्सपोज मीन्स जो रिस्क ऑफ द मिस यूज ऑफ द कार्ड दैट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड इन दैट केस ओके सो सिग्निफिकेंस क्या है वन सिग्निफिकेंस इज द पेमेंट सिक्योरिटी स्टोरेज ऑफ कार्ड डेटा ऑन मार्चेंट वेबसाइट इज ऑलवेज रिस्कीयर चांसेस ऑफ हैकिंग इंक्रीज, ओके क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतने ज़्यादा हैकिंग के चांसेस बनेंगे अगर हमारे कार्ड की डिटेल डिफरेंट मर्चेंट्स की वेबसाइट के ऊपर रहेगी तो हैकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड दैट इज़ वाई यू कैन से यूर कार्ड विल बिकम वनरेबल टू मिस एंड नाउ द मर्चेंट्स वेबसाइट कैन यूज ओनली ए टोकन नॉट द कार्ड रिलेटेड एन टायर जो जो मर्चेंट की जो वेबसाइट है वो अब ओनली टोकन को यूज़ करेगी ओके सो दैट विल नॉट बी एबल टू यूज़ द एंटायर इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड विद द कार्ड अंडर द न्यू नॉर्म्स ऑफ ऑल कस्टमर डाटा विल बी विद द बैंक सो जो अब नए नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि जो कस्टमर का डेटा है वो बैंक के पास ही रहेगा ओके okay? एंड uh, मर्चेंट के साथ क्या शेयर होगा ओनली एंड ओनली that data in a coded language in a coded form which will be represented by a token that means the merchant will also not be knowing that uh, what is the number of the card what is the cvv of the card and what is the expiry date of the card etc whatever information is required for the online payments so the merchant will not be uh, acquainted with that merchant ke pass jo bhi show hoga सिर्फ हमारे कार्ड के जो लास्ट फोर डिजिट ही शो होंगे नथिंग एल्स विल बी देयर ओके सो अंडर द न्यू नॉर्म्स ऑल कस्टमर डेटा विल बी विद द बैंक द ओनली डेटा दैट विल बी सेव्ड ऑन द मर्चेंट्स वेबसाइट विल बी द लास्ट फोर डिजिट्स ऑफ द कार्ड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेकेंड सिग्निफिकेंस इसकी क्या है फास्टर एंड ईजियर सो इससे क्या होगा जो पेमेंट है वो फास्ट होगी पेमेंट ईजियर होगी वाई बिकॉज

to pay any charges for availing the services. Next is decreases merchant's liability. अब क्या है कि merchant को जो भी you can say जो भी compliance है merchant का okay regulation related to card storage okay क्योंकि card storage से related जहाँ payment security से related जितने भी regulations हैं अब उनकी compliance merchant को नहीं करनी पड़ेगी so merchant के लिए easy हो जाएगा It will reduce the liability of the merchant. why? because merchant doesn't have the card details of the customers, so it will not become liable for any consequent loss to the customer. The merchant no longer has to stay compliant with various regulations related to card storage, okay and uh, no third party can store card on file. card on file can be stored only by the bank. ंग दर््ड और द नेटवर्क ऑफ कार्ड इन पेमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन जैसे हमने बात की थी वीजा मास्टर कार्ड और रूपे एटसेट्रा ओनली विल बी एबल टू स्टोर द कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सो द मर्चेंट्स वुड नॉट बी एबल टू स्टोर द कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन नाउ वट आर द चैलेंजेस एंड द इशूस इन देयर नंबर वन लैक ऑफ अवेयरनेस पहली तो ये बात है कि लोगों के अंदर अभी इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस नहीं है पीपल डजेंट नो राइट लोगों को समझाना पड़ेगा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा दे डोंट नो दैट व्हाट इज देयर एट ऑल ओके बिकॉज शुरू में लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होता है सो दैट इज़ वाई जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये टोकनाइजेशन है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होगी सो वन चैलेंज इज दैट टू एजुकेट द पीपल टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल

सो so, वो पेमेंट एग्रीगेटर्स के थ्रू ही ये जो काम है वो होगा पूरा एंटायर ओके सो सो दैट मींस दे विल हैव टू डिपेंड ऑन द पेमेंट एग्रीगेटर्स जो हमारा टोकन है वो पेमेंट एग्रीगेटर के पास रहेगा सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग कि स्माल मर्चेंट्स इसको कैसे यू कैन से इजीली यूज कर सकते हैं नई फैसिलिटी को नॉट मेड मैंडेट्री एट सो डिपेंड्स ऑन द मर्चेंट सो ये जो कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या टोकनाइजेशन है ये अभी तक मैंडेट्री नहीं है ये मर्चेंट के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि uh, आम जो हमारे जो लोग हैं जिनको अभी एक्सपोजर नहीं है जो कम एजुकेटेड हैं जो रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं सो तो उनको तो तो टोकनाइजेशन तो, 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 का पता ही नहीं है सो द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल

वो मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर स्टोर नहीं होती वो एक टोकन में कन्वर्ट हो जाती है एक कोड में कन्वर्ट हो जाती है वो एंड वो जो कोड है जो टोकन है वही मर्चेंट के पास रहता है दैट इज़ कॉल्ड द टोकनाइजेशन इसका जो मेन पर्पस है दैट इज टू इंश्योर द पेमेंट सिक्योरिटी सो दैट कस्टमर का जो कार्ड है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो सके ओके सो दिस इज़ द मेन पॉइंट रिलेटेड विद दैट एंड जो टोकन इशू करने वाली अथॉरिटीज़ हैं जो या तो जो कार्ड यू कैन से नेटवर्क कंपनीज हैं जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड या रूपे या तो वो टोकन इशू कर सकेंगे या जिस बैंक ने कार्ड इशू किया है वो टोकन इशू कर सकेंगे ओके सो दैट इज़ द पॉइंट देयर सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है फर्स्ट इट इज़ नॉट मैंडेटरी इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया ये अभी तक ऑप्शनल है डिस्क्रिशनरी है इट इज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन दैट टोकनाइजेशन इज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली इट इज़ नॉट फॉर द ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट देर विल बी डिफरेंट टोकन फॉर डिफरेंट मर्चेंट्स ये भी नहीं होगा कि सभी मर्चेंट्स के लिए एक सिंगल टोकन होगा नो दैट इज नॉट देयर So different merchants can a different token hoga, let's suppose uh, uh, your card related information is there with the uh, x number of merchants with n number of merchants and uh, for the n number of merchants, there will be different tokens which will be issued. Okay. A card issuer can refuse the tokenization of a card based on uh, based on risk perception. card issuer means a bank that has issued me the card. That bank may refuse the tokenization of a card based on risk perception. It means the uh, final jo uh, you can say call hai related with the tokenization of the card that will be with the bank that has issued the card okay so that bank will see that uh, whether the tokenization uh, can be should be accepted or refused okay so that is the point. कस्टमर्स कैन सेट एंड मॉडिफाई प्री ट्रांजेक्शन एंड डेली ट्रांजेक्शन टोकनाइजेशन कार्ड ट्रांजेक्शन जो कस्टमर हैं वो यू कैन से पर ट्रांजेक्शन एंड डेली ट्रांजेक्शन लिमिट हैं जो वो सेट uh, कर सकते हैं ओके एक टोकन के लिए या पर टोकनाइज कार्ड ट्रांजेक्शन ओके सो वो सेट कर सकते हैं कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी होगी डेली ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी होगी सो अकॉर्डिंगली द टोकन इशूड एंड द कस्टमर विल बी सेफ इन दैट केस ए कस्टमर डजेंट नीड टू रिमेंबर द टोकन नंबर जो टोकन नंबर है वो कस्टमर को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो वो टोकन तो वो ऑटोमेटिकली जब आप मर्चेंट से आप परचेज करोगे जब आप मर्चेंट को पेमेंट करोगे तो वो टोकन मर्चेंट के पास होगा सो मर्चेंट से वो मर्चेंट के बैंक में जाएगा मर्चेंट का बैंक वो टोकन फर्दर जो uh, क्लाइंट का या जो कस्टमर का बैंक है जिसने कार्ड इशू किया है उसके साथ शेयर करेगा और वो बैंक उस टोकन को डी करेगा उस कोड को एंड उस बैंक के पास कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से वो पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा या पेमेंट को डिक्लाइन डिक्लाइन करेगा या अलाउ करेगा सो दैट इज़ द पॉइंट देयर ओके सो टोकन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस सो आई थिंक एवरी थिंग रिलेटेड विद द टोकनाइजेशन इज़ क्लियर टू यू इन दिस टूडेज लेक्चर वॉट वी हैव डिस्कस्ड इज ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स हैं वो डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स होते हैं ओके सो जिन फ्रॉड्स के चलते हुए जो भी लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं ऑनलाइन परचेज करते हैं सो तो उनको काफ़ी लॉस बियर करना होता है करना पड़ता है जैसे कि हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी कि यू कैन से एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एटी थाउजेंड जो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं पर मंथ जिनकी वैल्यू टू हंड्रेड करोड़ रुपीस बनती हैं ये जो यूपीआई पेमेंट uh, लिंक्स हैं जो उनी ये उन्हीं से रिलेटेड ये फ्रॉड्स हैं सो so, ऐसे फ्रॉड्स को मिनिमाइज करने के लिए रोकने के लिए ये बहुत सारे मेज़र्स लिए लिए गए हैं वन ऑफ दोज मेज़र्स इज द टोकनाइजेशन ओके सो ये क्या है कि पहले जब हम परचेज़ करते थे तो हमारी पर, जब हम ऑनलाइन परचेज करते थे और हम पेमेंट करते थे ऑनलाइन हमारी कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो वो मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर सेव हो जाती थी सो so, अब टोकनाइजेशन के अंडर क्या रहेगा कि वो मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी मर्चेंट को सिर्फ एक टोकन मिलेगा और जितने मर्चेंट्स के साथ हमारे पहले की इन्फॉर्मेशन है जो वो सेव हो चुकी है कार्ड्स की वो इन ए प्रेस्क्राइब टाइम वो उनको डिलीट करनी होगी इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी उनके पास सिर्फ उनके पास टोकन होगा ओके okay? टोकन क्या होगा आपके कार्ड की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक कोडेड फॉर्म में होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा टोकन सो दैट इज़ क्लियर ओके सो टोकन के थ्रू पेमेंट होगी इसकी सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि फ्रॉड कम होंगे बिकॉज मोर द एक्सपोजर द मोर विल बी द फ्रॉड फ्रॉड्स कम होंगे पेमेंट्स फास्टर होंगी ईजियर होंगी एंड so मर्चेंट की जो लाइबिलिटी है वो भी कम होगी बट इसमें मेन प्रॉब्लम क्या रहेगी पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी सॉरी uh, uh, पहली बात तो ये है लोगों के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है सो दैट इज़ वन मेन इशू देयर। लेकिन क्या है जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं उनके पास अपने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते वो दूसरे पेमेंट एग्रीगेटर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं जैसे आपने सी सी एवेन्यू वगैरह देखा होगा सो so, उनके जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं सो so, उनको भी कुछ दिखते आएंगी सो दिस इज़ रिलेटेड विद द यू कैन से चैलेंजेस विद दिस एंड इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी पहली बात तो ये सिर्फ एंड सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए ही ही रहेगा ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है मैंडेटरी नहीं है डिफरेंट टोकन होंगे डिफरेंट मर्चेंट्स के लिए कार्ड इश्योर जो है वो टोकनाइजेशन रिफ्यूज़ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क परसेप्शन टू द कार्ड एंड कस्टमर्स जो है वो पर ट्रांजेक्शन एंड डेली ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर सकता है ओके फॉर टोकनाइज कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ए कस्टमर डजेंट नीड टू रिमेंबर द Token number. So, this is all about this. I hope this is clear to you. Thank you very much. All the best. Next time, ek topic. Ke fir all the best. Thank you again.